Hello students, how are you all? I hope you all are good. So in our last class of EVS, we have studied chapter number 21. हमने क्या-क्या चीजें देखी थी chapter number 21 में? Earth के बारे में देखा था, globe के बारे में देखा था, और क्या देखा था? Land, mountains, hills, plains, desert और river. इन सब के बारे में जाना था कि कौन सी चीज किस लिए हमें हेल्प करती है, हमारी अर्थ में कौन सी चीजें हैं, और एक्सरसाइज ए बी सी ये तीनों हम लोग ने कंप्लीट कर ली थी. नाउ लुक एट योर बुक एक्सरसाइज डी. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने देखा कि हम लोग ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, और ए बी सी एक्सरसाइजेस जो है हम लोग ने कब कर ली थी, लास्ट सेशन में कंप्लीट कर ली थी. नाउ लुक एट द एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी क्या है हमारी? टेक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. तो हमें जो करेक्ट है हमारे सेंटेंसेस उसको टेक कर देना है, और जो रॉन्ग है फॉल्स स्टेटमेंट है उसको क्रॉस कर देना है. फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड. क्या अर्थ का सबसे ज्यादा पार्ट लैंड से कवर है? नो. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रॉस. सेकेंड है, द सरफेस ऑफ लैंड इज सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. लैंड का सरफेस जो है, लैंड का सरफेस जो है वो हर जगह सेम है? नहीं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, हर तरीके का है. तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस. इसको भी हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. थर्ड है, मोस्ट पीपल लिव ऑन द प्लेन्स. ज़्यादातर पीपल्स जो हैं वो प्लेन्स पे रहते हैं. फ्लैट सरफेस होता है ना प्लेन्स का, तो हाँ ज़्यादातर पीपल किस में रहते हैं? प्लेन्स में रहते हैं, ना कि हिल्स या माउंटेन्स में कम रहते हैं. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम इसको टिक कर देंगे. नाउ लुक एट एक्सरसाइज एफ, नेम द गिवन पिक्चर्स. ये पिक्चर्स बनी हुई है, इसको हमें नाम लिखना है, इसके सारे नेम लिखने हैं. फर्स्ट पिक्चर क्या बनी है? ये क्या है? रिवर. आर आई वी ई आर, रिवर. सेकेंड पिक्चर कौन सी बनी है? हिल्स. ये देखिए पहाड़ी, पहाड़ बने हुए हैं ना, तो ये क्या है? हिल्स. एच आई एल एल एस, हिल्स. थर्ड पिक्चर पे देखिए क्या बना है? स्नो से कवर है ना माउंटेन्स, हाई हिल्स है ना बहुत, हाँ स्नो से कवर है, तो ये सब क्या है? माउंटेन्स. एम ओ यू एन टी ए आई एन एस, माउंटेन्स. लास्ट क्या है देखिए, बहुत ही सैंडी एरिया, लैंड सैंड है ना चारों तरफ, तो ये क्या है? डेजर्ट. डी ई एस ई आर टी, डेजर्ट. सो स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों एक्सरसाइजेस बुक में करनी है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? व्हाट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पे रहने के लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? आंसर है, लैंड वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. हमें लैंड की रहने के लिए पानी, वाटर की जरूरत होती है, और हवा की, इन तीनों चीजों की हमें जरूरत होती है अर्थ पे रहने के लिए. सो अगेन वी विल रिपीट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? व्हाट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. क्या चीज जरूरी है हमारे लिए अर्थ पे रहने के लिए? आंसर है, लैंड वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. मतलब लैंड की, वाटर की और एयर की हमें जरूरत होती है अर्थ पे रहने के लिए. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? व्हाट आर डेजर्ट. डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट मतलब क्या होता है? जो सैंडी लैंड्स होते हैं, रेगिस्तान. डेजर्ट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान. आंसर है, सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट. जहां पे बहुत सारी रेत होती है वैसे लैंड्स क्या कहलाते हैं? वैसे जमीनें क्या कहलाती हैं? डेजर्ट कहलाती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर माउंटेन्स. माउंटेन्स क्या होता है? आंसर है, वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. जो बहुत ही ऊंचाई पे बने होते हैं, चोटी पे बने होते हैं, और जिनके ऊपर स्नो रहती है,
जिन पहाड़ों के ऊपर स्नो से वो कवर रहते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? माउंटेन्स कहलाते हैं। सो अगेन वी विल रिपीट क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर डेजर्ट? डेजर्ट क्या होता है? आंसर है, सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट। जो रेत वाले एरिया होते हैं जिसमें बहुत सारी सैंड होती है वो डेजर्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर माउंटेन्स? माउंटेन्स क्या होते हैं? आंसर है, वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो बहुत ही हाई हिल्स होती हैं, ऊंचाई पे बनी होती है, और ऐसे माउंटेन्स जो स्नो से कवर्ड रहते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ऐसे हिल्स क्या कहलाते हैं? माउंटेन्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने अभी क्वेश्चन आंसर्स देखे, तो उसके बाद आपको क्या करना है? एक्सरसाइज डी एंड एफ ये आपको बुक में करनी है, और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करके अपने क्लास ग्रुप में सेंड करना है, और क्वेश्चन आंसर्स वेरी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।